हेलो फ्रेंड्स, मुझे वेलकम करुच्ची ओडिया गार्डनर यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो में मुझक पांच रो छ रोग विषय कहबी जोड़ा कि खासकर बर्षा दिन में आम सब गच्छा देखा जाए। तो जिते सब प्लांट आम छात उपर ग्रो करे टेरेस ग्रो करे, तो बर्षा दिन में से विभिन्न प्रकार रोग देखा जाए। से पांच रु छ रोग जमीक आपर लिव स्पट हो कि गच डायबैक हो, बर्षा दिन आप कौन मंजी ग्रो कर मंजी जब आप अधारू सढ़ी जा किंबा आपणकर गछरे जदि डाळ उडीको अधर नष्ट हो जाउची किंबा गछ जदि मरी जाउची तार कोन कारण से बिलारे पांच रु छ रोग विषय में आज भिडियो आप डिस्कशन करी एवं तार कोन सॉल्यूशन रही आपको आज भिडियो जनइबि। तो जो मैंने भी आज भिडियो देखा इंटरेस्टेड अच्छा भिडियो को आरंभ से संपूर्ण देखु, और जो मैंने ओडिया गार्डनर यूट्यूब चैनल को नुआ आज चैनल को सब्सक्राइब करना तेल चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करनी कहीं आगे युवा बहुत सारा इनफर्मेशन आपने गार्डनिंग पाइपर। तो लेट नगर चलते आज भिडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रथम रोग विषय जो कह खास गोलाप गचर यहाँ अधिक देखा जाए सीटा होती ब्लाक स्पॉट। तो पत्र देखिए गोटे गोटे कलार छोट छोट टीपिटी भी सब दाग हो जाए जोटा कि आम गचटा को अधिका नष्ट करें, जहाद्वारा आपर गचर पत्र सब झड़ी जाए और ताकि जब आपर अगर किसी गच्छ अच्छी से बहुत जल्दी स्प्रेड करेंगे। फंगसटा होती डिप्लोकार्पन रोजाई, जहाद्वारा कि आपर गचर पत्र कला दाग होता है और आपर सब गचर पत्र झड़ी जाए और ताद्वारा आप गच बहुत द्वारा क्षतिग्रस्त होता है। तो यही रोग निराकरण आपर फंजीसाइड स्प्रे कराया पड़ो। तो आपने मैंकोजेब और थायपोनेट मिथाइल फंजीसाइड ए स्प्रे करूँ जोटा कि आपति सप्ताह इंटरवल स्प्रे कले देखिए आप गचर जहाँ भी इनफेक्शन थी नष्ट और आपण गचटी सुरक्षित रहीपर। सेकेंड रोग जो आपकी सीटा होती डैम्पिंग अफ, डैम्पिंग अफ सिलिंग मैंने आपड़ी भी किसी मंजी ग्रो करते बर्षा दिन में, तो से मंजी जदि अधिका पा जमिक रही जाए तो से मंजी गुड़ी आप देखिए अधारू सड़ी भांगी जाए जोटा कि जस्ट जदि आप मंजी बाहर और आठ दस दिन सीडलींग तो से सीडलींग गुड़ आपर नष्ट जो आप देखिए गोटे जगह आपर चारा नष्ट हो तो से बहुत जल्दी स्प्रेड कर गोटे रु दुई दिन भितर आपर जिते भी चारा आपने करेंगे से सबको से नष्ट कर दे था। तो यही रोग खास करी फंगस जो होता है, फंगस आपर जदि मटी में रही है और जदि आपर सीडलिंग मीडिया अधिका आर्द्रता रही है जलीय अंश अधिका थाए तो आपर चाराटी नष्ट होता है। तो से आपर दुईटा उपाय रही निराकरण करने फास्ट है आप देखो जो एरिया आपर इनफेक्टेड होता पाखापाखि एरिया आपने कि सॉइल काढ़ी दिंतु किंबा से जहाँ भी चारा नुआ उठी आपत बाहर कर दिंतु। सेकेंड कथा रहा आपने जो आपर एयर सर्कुलेशन हो पवन हो जगार रखु किंबा आप आर्टिफिशियल फैन लगे पारे जोटा कि तार प्रभावटा को बहुत कमे। थर्ड पॉइंट रहा आपने जो सॉइल मीडिया या सीडलिंग मीडिया या फंजीसाइड यूज करूँ जोटा कि आपर चारे फंगस लगे मानने परसेंटेजा कमेदेव। तृतीय कथा रहा आपड़ी से लगे सारे आप चाहिए फंजीसाइड स्प्रे करेंगे। तो आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंजीसाइड निपण पाखापाखि गोटे लिटर पा दे गोटे ग्राम मिसेक आपने स्प्रे करूँ से आपर सीडलिंग गुड़ी बचे और आपर कम गच क्षतिग्रस्त हो। तापर फ्रेंड्स, थर्ड जो रोग विषय में आपको कहटा हो डायबैक। तो डायबैक मैंने आपर ग देखिए खास कर गोलाप गछ हो किंबा आंब गछ हो किंबा जेकोसी आप वेजिटेबल बैगन टमाटो ये गचर देखिए डायबैक होता है मैंने आपर डाल उपर सड़ी सड़ी आसता है किंबा मझी जगार कौन से गोटे डाल अधारु कला पड़ी से जगह नष्ट हो जाए जहाद्वारा कि आपर ग्षतिग्रस्त होता है और यहाँ जितने गोटे गचर हुए बहुत जल्दी पाखापाखि अगर गच गुड़ी स्प्रेड करें। तो खास कर डायबैक होता है दुईटा कारण, गोटे है फंगस जनित और आउ गए बैक्टीरिया जो। तो जदि आपर माटी रे किसी फंगस अच्छा और जोटा कि आपर ग चेरटा को इनफेक्ट करा आपर गचर डाल प्रभाव पड़ो और गच डाल नष्ट होता है और आम डायबैक। तो डायबैक हवा द्वारा आपने प्रथम कौन करेंगे तार निराकरण आपने प्रथम जो जगह आपर डायबैक है से जगह को आपड़ काटिकी से बाहर कर दिंतु जहाद्वारा कि आपर इनफेक्शन परिमाण कमिजी और जो आपने काटिक बाहर करेंगे ताको आप गठार बहुत दूर से फोपाड़ू जमीक इनफेक्शन तेह को न प्रवेश कर। एवं द्वितीय कथा रहा आपने जो जगह कट कले कट जगार आपने से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड गोटे पेस्ट तैयारी करूँ और से जगह लगे दिंतु जो आप कट कराद्वारा कि आपर नेक्स्ट आज से फंगस लगे कि आपर डाल नष्ट हो ना। तापर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कथा आसा लिप स्पॉट मानने पत्र आपर दाग हाँ
तो विभिन्न प्रकार दाग पत्र होता है, पत्र मोचा मोचा होता है, पत्र कला कला दाग होता है, ह्वाइट स्पॉट होता है, पत्र कणा कणा टाइप रही है, ये बहुत सारा पत्र दाग होता है। तो खास करी जो गुड़िक पत्रुक्त गछ जो गछर अधिका पत्र होता है तो से रोगटे अधिका मात्रा देखा जाए, फूल गछ हो कि पनीपरिया गछ हो। तो से आपने से कौन करें ना फंजीसाइड सॉल्यूशन आपने रेगुलरली स्प्रे करुथे, गछ आप इनफेक्टेड था कि न था आपने रेगुलर से फंजीसाइड स्प्रे करूँ, जहाद्वारा कि आपने तादर किसीटा परिमाण रिहाती पाइबे, कहीं संपूर्ण भाव में आपने लिप स्पॉट डिजीज को आप गछर कि गार्डेन हटे पारे ना, जोटा कि नेचुरली आपर गार्डेन हिं जी, कहीं जब आप जिते भी फंजीसाइड स्प्रे करूँ से किसी मात्रा कमी जाए कि संपूर्ण भाव में आपर गार्डेन जाइ न थे। तो से आपने रेगुलर प्रति सप्ताह को थे जेकोसी भी साफ हो कि बाबिस्टिन हो कि ब्लाइटक्स हो जेकोसी फंजीसाइड आपने गोटे लिटर पा दुई ग्राम मिसेक आपने सब गचर स्प्रे करूँ, जोटा कि आपर गच को यही सब विभिन्न प्रकार रोग सुरक्षित रखिए गच को आपर सुस्थ रख। फ्रेंड्स लास्ट जो डीज विषय में आप सीटा भाइराल डीज, तो विभिन्न प्रकार भाइराल डीज होता है, जमीक मनुष्य मध्य विभिन्न प्रकार भाइराल रोग होता है, से भाई गछ मानक विभिन्न प्रकार भाइराल रोग होता है, जहाद्वारा कि अचानक आपर गछर पत्र हलदिया पड़ जाए, गछर सब पत्र झड़ी जाए, गछर ग्रोथ कमी जाए, अचानक गछ आपर सड़ी नष्ट हो जाए। तो यही भाव में बहुत सारा बैक्टीरिया और फंगस जो आपर गए सब प्रोब्लेम देखा देते और युक खास कर बर्षा दिन में देखा जाए, तेणुक आपने सब गछ को जब आपने सेफ रखिए, गछ को मेडिसिन स्प्रे करुथे, खास कर नीम ऑयल जब आपने गछर रेगुलर यूज करते सब प्रकार डिजीज आपर गछ को आपने बचे पारे। तो आपने जब देखुं आप गाड़ी में विभिन्न प्रकार रोग देखा दूसरी आपड़ी रेगुलर बेसीस मेडिसिन स्प्रे करूँ, खास कर नीम ऑयल को यूज करते आपने गोटे लिटर पाने दे 2 ml नीम ऑयल मिशात और से किसी लिक्विड सोप मिशात, मानने डिटर्जेंट हो कि जेकोसी भी आपर शैम्पू हो से मिसेक आपने सब गचर स्प्रे करूँ, जोटा कि आपर गच को प्रोटेक्शन दब ए कौन सी प्रकार भी आपर गचर भाइराल डीज प्रभाव पकई पारे ना। तो फ्रेंड्स ये थी किसीटा विशेष रोग जो गुड़ा कि खास कर बर्षा दिन में देखा जाए और किसीटा फंगस और बैक्टीरिया जो आपर गचर प्रभाव पकई थाए। तो मुझे देखिली यही किसीटा रोग बहुत लोग फेस करुथे, तो से आपको तार इनफर्मेसन देली, मुशा कर आज भिडियो भल लगी और आपर आउ भी जदि किसी डाउट अच्छी आपर आउ किसी प्रकार डीज आपर गचर देखा दूसरी आपने भिडियो तेल कमेंट लिखि जनातु, निश्चय तरह से भिडियो बनइबी और आपको जनइबी जो तार कौन प्रतिकार रही। तो फ्रेंड्स आशा करुँ आपको आज भिडियो भल लगी, तो जब आज भिडियो भल लगी भिडियो को निश्चय गोटे लाइक करेंगे और आपने यू जब फंजीसाइड पा ना तो भिडियो तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करूँ, मुझे ऑनलाइन परचेज करेंगे। तो फ्रेंड्स आज भिडियो ये पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो से मुझे रोचे, बाय बाय, थैंक यू।